जिला सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे पूना नारकोम अभियान नई सुबह नई शुरुआत के तहत 16 नक्सलियों ने आज डीएन यादव, कमांडेंट 74 वाहिनी सीआरपीएफ कुलदीप कुमार जैन, कमांडेंट 226 वाहिनी सीआरपीएफ संदीप बिजानिया, द्वितीय कमान अधिकारी 74 वाहिनी किरण चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन के समक्ष पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन कार्यालय में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित सभी नक्सली जिले में घटित विभिन्न नक्सली गतिविधियों में शामिल रहेंगे। उक्त सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को राज्य शासन के पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सुकमा से संजय नायक की रिपोर्ट। सुकमा पुलिस सीआरपीएफ और कोबरा इनके संयुक्त प्रयास से आज सुकमा में 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें टोटल 8 लाख का एक, 5 लाख का एक, 1 लाख के दो और एक भरमार वेपन सहित सरेंडर किया है। आदरणीय आईजी सुंदरराज सर, डीआईजी अरविंद राय सर, डीआईजी जगदलपुर, इनके मार्गदर्शन में जो पुना नारकन का अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत विविध बटालियन, विविध थाने, एसडीओपीज द्वारा यह आत्मसमर्पण कराया गया। टोटल 16 आत्मसमर्पण में 74 वाहिनी द्वारा पदाम सोमा, सोडी बुदरी, कवासी पाले जिसके नाम पे 8 लाख का इनाम है, उसके अलावा पोलमपल्ली थाने के प्रयास से पोडियम सुक्का थाना पोलमपल्ली में उसके अगेंस्ट 18 स्थायी वारंटी है, पोडियम पोजा उसके अगेंस्ट पोलमपल्ली में 16 स्थायी वारंट है, उसके अलावा 131 वाहिनी सीआरपीएफ के आसूचना सौका द्वारा पदम देवा जो सीएनएम अध्यक्ष एलमा गुंडा का, माड़वी आयता, हेमला मासा और माड़वी हिडमा ने आज कुल 16 नक्सलियों ने नक्सलवाद की विचारधारा को छोड़ करके आज सरेंडर किया है और ये इस बात को दर्शाता है कि लोगों का विश्वास जो भटक गए हैं यहाँ के सुकमा के युवा, उनका विश्वास जो है सरकार की नीतियों पर फोर्स में बढ़ रहा है और ये मुख्य धारा से जुड़ने के लिए इच्छुक है। ये इस बात का प्रमाण भी है कि यहाँ पे फोर्सेज और जिला बल मिल करके और सुकमा के विकास के लिए, नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं और ये उसी प्रयास का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में ये युवा जो हैं नक्सलवाद की विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। आगे भी जिला बल और सीआरपीएफ इसी तरह से अपना प्रयास जारी रखेंगे और सुकमा को खुशहाल बनाने के लिए, नक्सल मुक्त करने के लिए प्रयास जारी रखेंगे।